नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत चक जाहिर है। कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों नेताओं में सुलह हो गई, लेकिन खटास बरकरार है। दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में है। सचिन पायलट को सीएम ना बनने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, इसको लेकर जनता का रिएक्शन चौंकाने वाला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि सर्वे में सवाल किया गया कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाने से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान, इसके जवाब में 26% लोगों ने हां में जवाब दिया, तो वहीं 53% लोगों ने नहीं कहा। वहीं इस सवाल के जवाब में 21% लोगों ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचातानी को लेकर न्यूज पोर्टल ने यह सर्वे किया था। वहीं आपको बताते चले कि राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक उन्हें सीएम बनाए जाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग तेजी से हो रही है। हाल ही में खेल मंत्री अशोक चंदाना पर कथित तौर पर सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा जूता उछालने का मामला सुर्खियों में रहा। पायलट समर्थक विधायक भी इशारों ही इशारों में पार्टी आलाकमान से उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने खुलकर सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ गहलोत समर्थक मंत्री पायलट को निशाने पर ले रहे हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत खुद एक विचारधारा है, गहलोत के बिना हम मंत्री नहीं बन पाते। जबकि स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीना ने सचिन पायलट को बाहरी बताकर सीएम गहलोत के प्रति वफादारी दिखाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी, लेकिन सीएम गहलोत ने चतुराई दिखाते हुए अपनी सरकार को गिराने से बचा लिया। सीएम गहलोत ने हाल ही में समाई माधवपुर में सचिन पायलट की बगावत को याद किया। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार की वजह से उन्हें सूचना मिलती है। दानिश अब्रार ने सरकार को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।